नीतीश के बीजेपी के साथ आने से क्या बिगड़ गया विपक्ष का गणित? दरवाजा खोले रखो वे लौट सकते हैं। दरवाजे का खुला होना खुद एक उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी के खुले दरवाजे और इंडिया गठबंधन की नींव डालने वाले नीतीश कुमार के उसी खुले दरवाजे के रास्ते एनडीए ने एक बार फिर वापसी की कहानी पर केदारनाथ सिंह की ये पंक्तियां सटीक बैठती हैं। इस वापसी के साथ ही बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव का सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। बीजेपी की मोदी की गारंटी वाले नारे के बरक्स विपक्ष का संविधान खतरे में है का नारा तेजी पकड़ रहा है। ये साफ है कि कोई भी बिहार से नजर नहीं हटाना चाहता है। यहाँ की 40 लोकसभा सीट सरकार बनाने के लिए हमेशा अहम रहती हैं। 2019 में एनडीए को यहाँ 39 सीटें मिली थी, इस बार क्या होगा इन सीटों का? इंडिया अलायंस हो या फिर एनडीए, गुंजाइश दोनों ही नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या एनडीए के लिए बिहार की जमीन पर फिर से 2019 जैसी जीत दर्ज करना मुश्किल होगा, और अगर होगा तो कितना? ये सवाल इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि हिंदी भाषी राज्यों में बिहार इकलौता प्रदेश है जहां बीजेपी को कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाई है। आखिर क्यों? इस पर एक लंबी राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम गांधी मैदान की तरफ लौटते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि रविवार को समर्थकों से भरे विशाल गांधी मैदान की तस्वीर बिहार में एक तरफा मुकाबले की बात तो नहीं कर रही है। नीतीश के आने जाने से बदलता चुनावी गणित। इंडिया टुडे के हाल के सर्वेक्षण में जब लोगों से पूछा गया कि नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से क्या उनकी छवि को स्थायी तौर पर नुकसान पहुंचाया है, 71% लोगों ने इसका हां में जवाब दिया। क्या नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस से बाहर जाने से एनडीए को 400 पार जाने में मदद मिलेगी? 48% लोगों ने इस सवाल का ना में जवाब दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब नीतीश एनडीए में थे तब इस गठबंधन को 40 में से 39 सीटें मिली थी। आरजेडी अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। फिर नीतीश ने एनडीए छोड़कर राजद और कांग्रेस के साथ महागठबंधन का हाथ थामा था। बिहार को ऐसे राज्य के तौर पर देखा जाए जहां बीजेपी को विपक्षी गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल सकती थी। नीतीश का इंडिया ब्लॉक में होना उसे मजबूती दे रहा था। सामाजिक जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर नीतीश कुमार के जाति जनगणना के नतीजे घोषित करने को एक मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जिससे उनकी चर्चा राष्ट्रीय तौर पर हुई है। ओबीसी वोट बैंक का एक बड़े हिस्से को अपनी ओर खींचने वाली भाजपा ऐसा लगा कि बैकफुट पर दिखी है। पश्चिम और उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों जैसे हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि में एनडीए पहले से ही सियासी रूप से शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के लिए बीजेपी के लिए बिहार में अच्छे प्रदर्शन का दोहराना जरूरी है। फिर नीतीश कुमार ने विपक्ष को छोड़कर एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक रैली 2 मार्च औरंगाबाद में ठहाकाकों के बीच नीतीश कुमार ने कहा, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। नीतीश के चले जाने को विपक्ष के लिए झटके के तौर पर देखा गया है। लेखक और इंडियन एक्सप्रेस ने सीनियर असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह कहते हैं, नीतीश को इंडिया अलायंस से जाने देना कांग्रेस की कूटनीतिक नकाशी थी। अगर नीतीश इंडिया गठबंधन में होते तो बिहार में विपक्ष को 25 से ज्यादा सीटें मिल सकती थी। इससे विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर फायदा होता। ईबीसी, महादलित, महिलाओं आदि के हिस्सों को जोड़ ले तो माना जाता है कि नीतीश कुमार के पक्ष में 12-13% वोट है। नीतीश के जाने से महागठबंधन के अलावा भाजपा की भी चुनौतियां बढ़ी हैं। अब वहां सीट मांगने वालों की भरमार है। एनडीए ने भाजपा के अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।
शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।